सरकार अलग अलग विशेषज्ञताओं वाली 10,000 बसें सार्वजनिक निजी भागीदारी क्लस्टर योजना के तहत निजी क्षेत्र से लाने का प्रस्ताव कर रही है। ट्रांसपोर्ट के अंदर 3,000 नई बसेस खरीदने का प्रावधान है। 2019-20 से डीटीसी के बेड़े में 1,000 नई बसें जोड़ी जाएंगी। इसके साथ साथ क्लस्टर सेवा के तहत 1,000 स्टैंडर्ड फ्लोर बसें सीएनजी बसें, 1,000 लो फ्लोर एसी सीएनजी बसें और 1,000 लो फ्लोर एसी इलेक्ट्रिक बसें शामिल करना शुरू किया जाएगा। इस तरह दिल्ली के पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम में सरकार ने 4,000 नई बसें सड़क पर लाने का काम शुरू कर दिया है। कुल मिलाकर 2,485 नई बसें वर्ष 2020-21 के दौरान बेड़े में शामिल की जाएंगी और 1,880 बसें जिसमें 444 डीटीसी और 1,436 2021-22 में खरीदी जाएंगी। इस तरह 11,000 बसों का बेड़ा बनाने का लक्ष्य पूरा कर लिया जाएगा। पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बढ़ावा देते हुए दिल्ली में पहली बार करीब एक साल के अंदर 1,600 बसों का फ्लीट, पहली बार इतना बड़ा एडिशन दिल्ली के बस फ्लीट में हुआ है और इस साल सितंबर तक इसमें 1,000 और बसें जुड़ जाएंगी। इस साल 1,000 बस और जुड़ने के बाद ये संख्या 7,693 पहुंच जाएगी। आज पहली बस गई है और अप्रैल तक हमें उम्मीद है 300 बसें आ जाएंगी और हमारा टारगेट है उसके बाद 2,000 और बसेस अगले कुछ वर्षों के अंदर 2,000 और इलेक्ट्रिक बसेस लाने का। एक और भी आज बड़ी बात ये हुई है कि 2011 से के बाद से आज तक डीटीसी के बेड़े में एक भी नई बस नहीं आई थी। ट्रांसपोर्ट विभाग की एक और उपलब्धि से मैं सदन को अवगत कराना जरूरी समझता हूं कि दिल्ली में पहली बार बसों का बेड़ा 7,003 क्रॉस कर चुका है। अब तक के दिल्ली के इतिहास में ये सबसे बड़ी बसों की संख्या है, 7,003 बसें। अध्यक्ष महोदय, कोई सरकार नहीं खड़ी कर पाई जो आम आदमी पार्टी की सरकार ने दिल्ली में, दिल्ली के बेड़े में 7,003 बसें जोड़ दी।